होनी चाहिए। फिर उन्होंने मन में विचार किया कि राजा जी जाएंगे, शादी करके ले आएंगे, पता नहीं कौन है कौन नहीं है, सगाई कर ले फिर सगाई छूट जाए, कोई चक्कर हो जाए। तो उन्होंने कहा ये हमको नहीं पता है कौन है, कहां से आई है, किसकी बेटी है, किस गांव की रहने वाली है, हमको नहीं पता, आप पता करवा लो। युवती आपके काबिल है, खूबसूरत है, अच्छी है, बढ़िया गा रही है, और आप राजा हो तो आपके लायक। तो सुम्ब और निशुम्ब ने, क्योंकि राक्षस थे और उनके दरबार में भी सारे राक्षस थे, फिर भी कुछ लोग ऐसे चाटुकार उनके दरबार में थे, तो उन चाटुकार में से एक सुग्रीव नाम का देते था, उसको सुम्ब ने दूत बना करके भेजा कि सुग्रीव तुम जाओ और कोई ऐसा उपाय करो कि वो अपने कब्जे में आ जाए। सुग्रीव जाकर के बात करता